स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। 17 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जहां पे मैंने आपके साथ यूनाइटेड नेशंस के ऊपर डिस्कशन की है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएटेड बॉडीज, उसके बाद हम लोग यूएन अटैच्ड बॉडीज, यूएन की दूसरे फंड्स प्रोग्राम्स हम लोगों ने चर्चा की। देन वी स्पोक अबाउट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, जुडिशियल बॉडीज, मैरिटाइम बॉडीज, फिर वी डिस्कस द रीजनल ग्रुपिंग्स, राइट। तो उन 17 लेक्चर सीरीज के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, द TCP सीरीज। TCP मीन्स ट्रीटीज कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स सीरीज। एक छोटा सा संदेश भी है, देखिए मैं ये सोच रहा था कि इस पर्टिकुलर सीरीज को लाइव शुरू करता हूँ, बिकॉज लाइव क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी मेरी, बट कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी भी थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुए, हो जाएंगी आने वाले हफ्ते में, जल्दी से हो जाएंगी। उसके बाद वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस एज वेल, राइट, और उसी मोड में हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन तब तक वी विल बी डिस्कसिंग द TCP, राइट, the treaties, conventions and protocols। यहाँ पे भी लेक्चर प्लान कुछ इस तरह का बना हुआ है, जहाँ पे पहले मैं आपके साथ आज के क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग न्यूक्लियर डोमेन से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में, CTBT, PTBT, इन सारी ट्रीटीज कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, न्यूक्लियर टेररिज्म एट्सेट्रा, राइट, इन चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। आगे वाले सेशंस में हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, अर्थ से जुड़ी हुई बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मून ट्रीटी, अंटार्कटिक ट्रीटी, अंडरवाटर ट्रीटी, बहुत सारी ट्रीटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। सो लेट अस बिगिन आर TCP सीरीज, द ट्रीटीज कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, दिस इज द स्टॉप फॉर यू। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ऑलरेडी बैच 5 तक एडमिशन ले चुके हैं, आप उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि स्टडी IQ पे हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। देखिए, पढ़ना बहुत सी चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य जो भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगे आपकी 900 घंटे से ज़्यादा, यानी कि कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा UPSC सिविल सर्विसेज का। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपने पढ़ा है, जो हम लोगों ने नॉलेज इम्पार्ट किए, तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। इसीलिए हमारा फोकस यही होता है कि हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व कराए जाते हैं, हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। यू डू नो, यू कैन सी द टेस्टिमोनियल्स, जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा हेड स्टार्ट आपसे ले चुके हैं, आप उनका एक्सपीरियंस देख सकते हो, पहले दिन किस तरह के आंसर्स लिख रहे थे और अभी वो किस तरह से रिफाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो केवल नॉलेज बेस नहीं, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस, दैट इज़ वाई यू शुड चूज द फाउंडेशन बैच। इसके अलावा वर्किंग ऑफिशियल्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारा वीकेंड बैच शुरू हो रहा है, आइडियल फॉर दी वर्किंग प्रोफेशनल्स। मंडे टू फ्राइडे अगर आप काम कर रहे हो, IAS IPS बनने की इच्छा है, जॉब नहीं छोड़ना है, तो आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सैटरडे और संडे 11 बजे क्लासेस चलेगी इसकी। इसके अलावा फॉर दी रेगुलर एस्पिरेंट्स बैच 6, द लास्ट बैच, रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मॉर्निंग बैच, 8 AM क्लासेस चलेंगी सुबह 8 बजे, अगेन मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस, सैटरडे संडे ये क्लासेस, सो देर वुड बी ब्रेक्स ऑल्सो, सारा शेड्यूल बना हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली फॉर 18999। आपको ध्यान रखना, यू हैव टू यूज़ माई कोड राहुल लाइव, डो नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। कंपनी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट जस्ट यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए, नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, लेट्स बिगिन आवर क्लासेस। TCP की क्लास शुरू करते, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड टर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली ट्रीटीज कन्वेंशन प्रोटोकॉल। सर, ये है क्या? सारे टर्म सिमिलर टाइप साउंड कर रहे हैं। ट्रीटी का मतलब क्या है, कन्वेंशन का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल का मतलब। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स, सम सॉर्ट ऑफ अकॉर्ड, सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देशों के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट समझ सकते हो, तीनों चीज़ों को अग्रीमेंट ही कह सकते हो, अलग अलग तरह के अग्रीमेंट। देखिए, ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी का हिंदी वर्ड क्या, संधि, राइट, संधि। ट्रीटी दो देशों के बीच भी हो सकती है, आप देख सकते हो, ट्रीटी कैन बी बायलैटरल आल्सो,
बिटवीन टू कंट्रीज, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान वाटर शेयरिंग ट्रीटी। तो ट्रीटी दो देशों के बीच भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो सकती है, अलग अलग देशों के साथ भी ट्रीटी हो सकती है। ट्रीटी का मतलब है संधि, जहाँ पे देश आपसी सहमति से कुछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और साइन कर देंगे, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो साइन करेंगे। अब ट्रीटीज जब साइन हो जाती है, जनरली उसके पीछे भी रेटिफिकेशन लग जाती है। अब स्टेट टू स्टेट वेरी होता है कि अगर समझ लीजिए यूएसए ने कोई भी ट्रीटी साइन की तो उसको रेटिफाई करना ही करना है, यूएस कांग्रेस को उसको रेटिफाई करना पड़ता है। कुछ कुछ देशों में ज़रूरत नहीं होती अगर ट्रीटी साइन कर दी, दैट इज इम्प्लीमेंटेड, बट इन जनरल कई सारे देशों में रेटिफिकेशन इज नेसेसरी। अब ट्रीटी क्या है? एक संधि है, एक अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब रही बात कन्वेंशन की, कन्वेंशन क्या है? देखिए कन्वेंशन का रूट वर्ड क्या है? कन्वीन। आपने कई बार देखा होगा अपने शहरों में कन्वेंशन हॉल, कन्वेंशन का मतलब है जहां सब लोग मिल रहे हैं। सो कन्वेंशन इज बेसिकली कन्वीनिंग, सभी देश ऑर्गेनाइजेशंस हो जो भी हो एक जगह पे कन्वीन हो रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं। अब किस लिए? देखिए जिस तरह से ग्लोबल इश्यूज उभर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, आपको ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, तो एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर देश जुड़ेंगे। और नॉर्मली कन्वेंशन का नाम किस होता है? काफ़ी जेनेरिक टर्म है कन्वेंशन, टू कन्वीन, टू कॉल पीपल एट वन प्लेस टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट। एक चीज़ को आपको डिस्कस करना है, एक चीज़ का आपको सोल्यूशन निकालना है, और नॉर्मली कन्वेंशन के नाम सिटी के नाम पे होते हैं। जहाँ पे भी आपने कन्वीन किया, आपके कन्वेंशन हॉल का एक एड्रेस होगा, तो वैसे ही जहाँ पे कन्वेंशन चलेगी उस सिटी का नाम। आपने सुना होगा वियना कन्वेंशन, राइट। वियना कन्वेंशन, वियना में बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं, राइट। तो वियना कन्वेंशन एक एग्जांपल हो गया। अब कन्वेंशन में क्या होता है कि देश साथ में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ पे अग्री करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट ही जारी हो गया, उस कन्वेंशन में स्टेटमेंट जारी हो गया, सभी देश मिलके आगे समझ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रति कुछ करेंगे, राइट। जैसे कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो एक्नॉलेज किया गया कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, तो क्लाइमेट चेंज के प्रति हम कुछ करेंगे, सभी लोगों ने मिलकर आपसी सहमति से किया। अब नॉर्मली क्या होता है, कन्वेंशन के साथ नॉर्मली बाइंडिंग टारगेट्स वगैरह नहीं आते, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेशंस, राइट। बेसिक प्रोसीजर्स हो गए, आपके एक्शंस हो गए, वह सेट करेंगे, तो जनरली वो बाइंडिंग नहीं होते, जनरली बाइंडिंग नहीं होते। और कन्वेंशन अगर एग्री भी कर ले तो स्टेट उसको भी रेटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब कन्वेंशन और ट्रीटी, ट्रीटी अ मोर फॉर्मलाइज थिंग, जहाँ पे समझ लीजिए देश इमीडिएटली साइन कर लेंगे। कन्वेंशन की, कन्वेंशन का समय होता है, कन्वेंशन लोगों ने अग्री कर लिया, इस साल अग्री कर लिया, बोलेंगे अगले साल हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको डेवलप करते रहेंगे, राइट। अब प्रोटोकॉल इसी का एक अमेंडमेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, प्रोटोकॉल कैन बी फॉर अ ट्रीटी, एक ट्रीटी के लिए भी प्रोटोकॉल हो सकता है, एक कन्वेंशन के लिए भी प्रोटोकॉल हो सकता है। अब प्रोटोकॉल मतलब क्या है? प्रोटोकॉल सिंपल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल समझ लीजिए एक अमेंडमेंट है ट्रीटी का, या फिर कन्वेंशन का अमेंडमेंट है, या फिर उसको सप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझाता हूं मैं, समझ लीजिए इंडिया ने एक्स कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्स कन्वेंशन को बोला कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं, ग्लोबल इशू के लिए हम लोग अपनी तरफ से योगदान करें। अब देखिए उसके लिए जब प्रोटोकॉल बनेगा, सब साथ में डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल मतलब इसी कन्वेंशन का एक अमेंडमेंट, सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट, उसके अंदर टारगेट्स दिए गए। अब जब टारगेट्स आएंगे तो आपको ध्यान रखना है इन टारगेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ता है। प्लीज़ रिमेंबर, कई बार प्रोटोकॉल जब आते हैं तो देशों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रोटोकॉल हम अग्री करें या ना करें, क्योंकि ओरिजिनल कन्वेंशन के भाग हैं, प्रोटोकॉल का मैं भाग नहीं रहूंगा, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या है, ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, सभी चीज़ें एक अग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है देशों के बीच, बस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रीटी, जैसे ट्रीटी हो सकती है दो लोगों के बीच भी, मल्टीपल प्लेयर्स के बीच भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी ट्रीटी हो सकती है। कन्वेंशन इज लाइक अ फॉर्मल मीटिंग, कन्वीनिंग, और प्रोटोकॉल यानी कि ट्रीटी हो या फिर कन्वेंशन हो, उसको अमेंड करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, उसके आगे चीज़ें बनाने के लिए। और कई बार जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गए, आपके टारगेट्स हो गए, अगर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, तो सभी को टारगेट लाना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम कम करेंगे। कैसे आया? क्योटो प्रोटोकॉल, किस कन्वेंशन के अंदर? अंडर UNFCCC के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आया। फिर उसके बाद आप हमारा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आया, अगेन एन अग्रीमेंट, पेरिस प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हो। इन अनदर टर्म्स एवरीथिंग इज एन अग्रीमेंट, बट प्रोटोकॉल इज सप्लीमेंट्री। प्रोटोकॉल ट्रीटी के लिए भी हो सकता है, प्रोटोकॉल कन्वेंशन के लिए हो सकता है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू, राइट। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आज पहली ट्रीटी के बारे में बात करते हैं या फिर पहले अकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। अब ये मैंने क्यों डाला है, नॉर्मली थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन में करता हूँ, लेकिन ये क्यों डाला गया, क्योंकि सिम्बॉलिकली सबसे पहली अग्रीमेंट या फिर पहली अकॉर्ड हम लोग मान सकते हैं जहाँ पे जो दो जायंट थे, 1945 के बाद दो जायंट देश है यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ने अपने अपने गुट बना दिए। अब दोनों ही न्यूक्लियर बन चुके थे, बोथ बिकेम न्यूक्लियर पावर। और इस समय पे 1950s में मैं कहूँगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ हुई, एक डॉक्ट्रिन आई MAD की। MAD मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो दोनों का ही नुकसान है। तो इसमें USA ने भी और USSR ने भी एक अंडरस्टैंडिंग किया, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड द मैक्लॉय ज़ॉरिन अकॉर्ड्स। मैक्लॉय फ्रॉम US, ज़ॉरिन फ्रॉम USSR, दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया, एक अकॉर्ड किया कि आगे चल के हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे फॉर कंप्लीट डिसआर्मामेंट, यानी कि लड़ाई ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस ना हो, इसलिए हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे करके। ऑल दो मैं कहूँगा शुरुआत इससे हुई, लेकिन आज तक डिसआर्मामेंट वगैरह कुछ हुआ नहीं, बट सिम्बॉलिकली दिस वॉज द फर्स्ट अग्रीमेंट और फर्स्ट अकॉर्ड बिटवीन टू बिग नेशंस, USA और USSR। क्लियर, ऐसे ही कभी कभार MCQs बन सकते हैं, टू हैव अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, PTBT। पहली ट्रीटी PTBT, व्हाट इज PTBT? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, या फिर इसको लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, इन दी पार्शियल ट्रीटी इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। द प्रॉब्लम इज दिस, पार्शियल हम लोग पार्शियल डिसआर्मामेंट की तरफ या फिर पार्शियल टेस्टिंग रोकेंगे, कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आया, मेनली तीन प्लेयर्स के बीच, USA, सोवियत यूनियन USSR और UK के बीच ये साइन किया गया इन 1963। अब इस ट्रीटी में ये बताया गया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर ओपन की टेस्टिंग नहीं करेंगे, कहाँ पे, बाहर में, यानी कि ओपन एनवायरनमेंट में नहीं करेंगे, आउटर स्पेस में भी नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, आउटर स्पेस में नहीं होगा, अंडर वाटर टेस्टिंग भी नहीं होगी, या फिर किसी ऐसी जगह पे भी टेस्टिंग नहीं होगी जहाँ पे आप न्यूक्लियर डेब्री छोड़ दोगे और लोगों को खतरा हो सकता है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, जिससे नाम से आपको पता चल रहा होगा इट्स नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। बस ये कहा गया कि अगर आप अंडरग्राउंड टनल बनाए तो वहाँ पे कुछ कर सकते हो, राइट, इसकी अंडरस्टैंडिंग वो हुई कि अंडर वाटर आप नहीं कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में नहीं कर रहे हो जिसमें नुकसान हो, लेकिन एक कंट्रोल्ड जगह पे आप कर सकते हो, न्यूक्लियर डेब्री मत छोड़िएगा, सो टेस्टिंग कैन बी डन, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इनफैक्ट ये जो ट्रीटी था, इस ट्रीटी में बस एक अंडरस्टैंडिंग आई, पहले तीन देश मिले, उसके बाद कई सारे दूसरे देश भी मिले, इनफैक्ट 100 से भी ज़्यादा देशों ने इसको अभी एक्सीड किया हुआ है 1963 से लेकर धीरे धीरे, बट इन प्रिंसिपल मैं कहूँगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई वेरिफिकेशन मेजर नहीं, कि पता नहीं लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आई डो नॉट नो। इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सेक्रेटरी या कोई बॉडी नहीं है जो चेक करे कि अगर समझ लीजिए मैं एक देश हूँ, मैंने साइन किया है लेकिन फिर भी मैं न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हूँ, तो कौन जिम्मेवार है, क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। जब भी कोई ट्रीटी या फिर कन्वेंशन प्रोटोकॉल आता है तो उसके साथ क्या होता है कि अगर मैं उस चीज़ को वॉयलेट करूँ, इफ़ आई वॉयलेट दैट, तो क्या होगा, सैंक्शंस लग सकते हैं, देश आपके साथ ट्रेड करना बंद कर सकते हैं, दूसरी एक्शन ली जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कुछ आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई वेरिफिकेशन या फिर कोई एक्शन मैकेनिज्म नहीं। और आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू PTBT, प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इसको आपको नोट करना, याद रखिएगा, इंडिया ने इसको साइन भी किया है, इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया है। इनफैक्ट शुरुआती दौर में 1954 में ये कह सकते हैं कि इंडिया ने ही इसकी आइडिया, इसकी नींव इंडिया ने ही रखी थी, दो इन तीनों ने शुरुआत की लेकिन इसकी नींव इंडिया ने ही रखी थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें, सर PTBT इफेक्टिव नहीं है तो क्यों है ये, मैं कहूँगा ये मोस्टली रिडंडेंट बन चुका है, मतलब दिस इज रिडंडेंट, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, स्पेशली जब से CTBT आया है, जब से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आया है, मैं कहूँगा कि 1996 से PTBT हैज़ बिन रादर रेडेंडर, इसका कोई ज़्यादा उपयोग या फिर यूज़ नहीं रहा, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दी PTBT 1963 में साइन किया गया था, ध्यान रखना है इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की डिस्कशन का जो कोर है वो है NPT। टेक्निकली मुझे लगता है इसका नाम होना चाहिए NNPT, क्यों, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ध्यान रखना है, बट शॉर्ट में NPT कहा जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन।
प्रोलीफरेशन मतलब बढ़ना, प्रोलीफरेशन बढ़ना, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका ग्रोथ ना हो, उसके नंबर्स ना बढ़े, इसलिए एनपीटी लाया गया। अब एनपीटी कब आया, बहुत ही ज़रूरी आपको इसका डेट याद रखना, एनपीटी 1968 में आया। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको कुछ डेट्स में बताऊँगा उससे आपको पता चलेगा यार एनपीटी कितनी डिस्क्रिमिनेटरी है। अब नाम से पता चले इसका उद्देश्य क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स पूरे विश्व में ना बढ़े। फाइनल किया गया 1968 में, ओपन किया गया सिग्नेचर्स के लिए, और फाइनली 1970 से ये ट्रीटी एक्टिव भी हो चुकी है। राइट, अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स ली गई है, देशों से बाइंडिंग कमिटमेंट ली गई है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे, यानी कि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम आप डेवलप नहीं करोगे, स्टॉक पाइलिंग नहीं करोगे, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग नहीं करोगे, तो कुछ इस तरह की चीज़। राइट, अब मैंने आपको डेट बताया 1968, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, देखिए एनपीटी के अंडर कुछ चीज़ें सेटअप की गई। एनपीटी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे सबसे पहले इसका उद्देश्य नॉन प्रोलीफरेशन, एक हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ना है। दूसरा है डिसआर्ममेंट, यानी कि ऑलरेडी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे भी डिसआर्म करे, उसे भी डिस्ट्रॉय करे, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है। तीसरा है पीसफुल यूज़ ऑफ एनर्जी, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि वेपन्स नहीं बढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा सर अगर ये है तो हमारे यहाँ पे पावर प्लांट्स क्यों बन रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के हम लोग फोकस क्यों करें, क्योंकि पीसफुल यूज़ आपको करना है। और पीसफुल यूज़ में क्या होता है कि जो भी आपका फ्यूल है जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, आप उसको एनरिच नहीं करते। वेपन्स के लिए क्या होता है कि यू नीड अराउंड 90% एनरिच्ड यूरेनियम। अब एनरिचमेंट कैसे करोगे, यूरेनियम न्यूक्लियस को आपको बढ़ाना है। राइट, इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो वेपन की वो लोग बात करते हैं, इतना छोटा सा आपका फ्यूल है, क्यों, क्योंकि एनरिच्ड फ्यूल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। राइट, उसको कैसे करते हैं आप, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज वगैरह टेक्नोलॉजी से आप उसको एनरिच कर सकते हो। तो ये चीज़ नहीं हो रही, पीसफुल एनर्जी, पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन वेपन्स नहीं यूज़ करना। अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया, हम लोगों ने डिस्कस किया था IAEA के बारे में, आपको याद होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब एनपीटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एनपीटी की वेरिफिकेशन के लिए, अगर मैं एक सिग्नेटरी हूँ एनपीटी का, तो मैं अपने यहाँ पे कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं बनाऊँ कि फ्यूल को एनरिच कर रहा हूँ या फिर न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो IAEA के टेस्टिंग करेंगे, अगर टेस्टिंग करेंगे उसके बाद सैंक्शंस भी लग सकते हैं, और कई देशों के ऊपर लगे भी है, जैसे ईरान इज अ क्लासिक एग्जांपल। राइट, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, US ने भी लगाए थे क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो क्योंकि IAEA की सेफगार्ड्स हैं यहाँ पे, यानी कि एक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी है। क्लियर, राइट। अब इन अ सिंपल टर्म अगर मुझे आपको बताना है कि इस ट्रीटी ने किया क्या, अब आपको समझ में आएगा क्यों इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रीटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर फ्रॉम 1968, तो इन्होंने एक डेडलाइन डेट दे दी। अब डेडलाइन डेट क्या दे दी, 1 जनवरी 1967, इसलिए मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1967 तक अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं तो आपको न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाएगा। कितना डिस्क्रिमिनेटरी है कि अगर आपने बना लिया है तो आपके पास हेड स्टार्ट है। तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि अगर आप 1 जनवरी 1967 तक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हो तो आप इस ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनोगे, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे लेकिन आपको न्यूक्लियर वेपन्स कम करने हैं, डिसआर्ममेंट करना है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने डेवलप नहीं किया ये डेडलाइन पे 1 जनवरी 1967, अगर इस तारीख तक आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं तो आप आगे भी नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स घोषित किए गए। तो पूरे विश्व को डिवाइड किया गया, बेसिकली एनपीटी क्या करता है, पूरे विश्व को डिवाइड करता है बिटवीन न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। मतलब अगर आपने वेपन पहले बना लिया है तो आप रख सकते हो, अगर आपने नहीं बनाया तो आगे नहीं बना सकते, अगर आप आगे बनाने की कोशिश करोगे तो हम सब मिलकर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, कुछ इस तरह की चीज। दैट्स व्हाई टोल्ड यू डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कहा गया कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं दे विल परस्यू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, यानी कि आपने वेपन रखिए डिसआर्ममेंट परस्यू कीजिए, जिन लोगों ने वेपन नहीं बनाया वो लोग वेपन नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ पीसफुल पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल करना है दोनों भी। अगेन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑल्सो, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑल्सो, दे कैन यूज इट फॉर पीसफुल पर्पस, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह की। आई होप कि आपको समझ में आ गया कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। अब इतना डिस्क्रिमिनेटरी इसीलिए क्या हुआ है,
कुछ कंट्रीज ने इसको ज्वाइन नहीं किया, सम कंट्रीज हैव नॉट ज्वाइंड इट। अब कौन ज्वाइन नहीं किया, इसमें इंडिया है। आप जानते हैं कि ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, ये कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी को नहीं माना है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एनपीटी का एक बहुत बड़ा फेलियर भी रहा है। इनफैक्ट 2020 में ईरान ने भी धमकी दी थी, ईरान एनपीटी का पार्ट था, ईरान ने भी धमकी दी थी कि हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे, वाले सो दिस वाज आल्सो एन इशू। तो ये कंट्रीज है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब क्यों? क्योंकि इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, कॉमन सेंस आपको बता रहा होगा अभी तक कि भैया ये कितनी गलत चीज़ है कि इनइक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स हो गया। आपने जल्दी बना लिया आप रखोगे, अगर आपने नहीं बनाया तो आप नहीं रख सकते, है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम, इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। और इंडिया का हमेशा से अप्रोच यही रहा है 1950 से ही, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स जो भी इंडिया के रहे, दे हैव ऑलवेज बैटेड फॉर डिसआर्ममेंट, यानी कि जिनके पास वेपन्स हैं वो भी अपने वेपन्स खत्म करें, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं बनाए। इसलिए आप देख सकते हो इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया भी आज एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है 1998 के बाद। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसराइल हो गया, इवन हाल ही में खबर भी आई थी नॉर्थ कोरिया ने भी खुद को घोषित कर दिया न्यूक्लियर, ऑल्दो वहाँ पे टेस्टिंग तो चली रही थी, उन्होंने पहले भी टेस्टिंग की थी, बट हाल ही में उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। सो दैट इज़ वाई इंडिया ने इसको अभी तक एक्सीड नहीं किया, ठीक है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्या एनपीटी सक्सेसफुल रहा है। मैं कहूँगा लार्जली अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनपीटी का मैंडेट क्या है। एनपीटी का मैंडेट है कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना है, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए पूरे विश्व में। लेकिन 1968 से आज तक क्या वेपन्स ख़त्म हुए? नहीं। इनफैक्ट ये सिप्री की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट सिप्री की, जहाँ पे नंबर्स बताते हैं आज भी 2020, इवन दिस नंबर्स हैव नॉट चेंज अ लॉट, कितने न्यूक्लियर वॉरेड्स है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के पास 6000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएस के पास 5800 के आसपास वेपन्स हैं, चाइना के पास 320 वेपन, फ्रांस 290, यूके 215, यानी कि ये जो पांच देश थे इन्होंने 1967 से पहले ही खुद को न्यूक्लियर बना लिया, तो इसके लिए वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित हो गए। लेकिन दूसरों ने कहा कि इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, और आप जानते हो कि बिग फेलियर इज अगर उसके बाद न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं बढ़ते तब हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी हैं, जो नॉन न्यूक्लियर थे वो न्यूक्लियर बने, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सारे। इनफैक्ट अगर आप इस तरफ देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि 1945 में कितने कैपेसिटी के न्यूक्लियर वेपन्स थे, 15 किलोटन, 22 किलोटन यूएस के पास। आज आप देख सकते हो 455 किलोटन की क्षमता वाले वेपन्स बने हुए हैं। इमेजिन कीजिएगा कि अगर ये जो न्यूक्लियर वेपन है कहीं पे आपने फायर कर दिया, यार पूरा देश का देश बर्बाद हो जाएगा, राइट। अगर समझ लीजिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे इंडिया में मल्टीपल सिटीज तबाह हो सकते हैं, तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मैं कहूँगा एनपीटी इज रादर अ फेलियर, क्योंकि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट तो नहीं हुई है, तो दैट वुड बी अ फेलियर इटसेल्फ। लेकिन एक सेंस है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा सक्सेस है, पार्शियल सक्सेस या मिनी सक्सेस। ये क्यों? क्योंकि एनपीटी के आने के बाद, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी के आने के बाद, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में उनके खुद के लोकल ट्रीटीज बनाए गए जिसके तहत उन्होंने इन एरियाज को घोषित कर दिया है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनपीटी के अंडर ही, एनपीटी के बाद नेगोशिएशन जो हुई वहाँ पे इन एरियाज में, जैसे कि लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ पैसिफिक, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में खुद को इन्होंने न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बताया। इसके अलावा ऑफ कोर्स अंटार्कटिक हो गया, आपका आउटर स्पेस हो गया, मून हो गया, ये भी न्यूक्लियर फ्री जोन ही है, ठीक है। तो ये पांच रीजन्स ने अपने अपने ट्रीटीज बनाए, तो हम लोग इन ट्रीटीज को भी देखेंगे, कभी कभार एग्जाम में सिंपल एमसीक्यू बन सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए कि एनपीटी में दिक्कत क्या है। तो एनपीटी के अंडर पांच और ट्रीटीज साइन हुई एरिया वाइज। पहला एरिया, सबसे पहला एरिया है टाटेलोल्को ट्रीटी, इसको प्रोनाउंस किया जाता है टाटेलोल्को करके, ठीक है। टाटेलोल्को एक सिटी है मेक्सिको में, ध्यान रखना है आपको, एक सिटी है मेक्सिको में जहां पे ये ट्रीटी साइन की गई बिटवीन दी लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज। आप देख सकते हो द ट्रीटी ऑफ टाटेलोल्को, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन, दैट इज द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन रीजन,
न्यूक्लियर फ्री जोन है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है। ये कब साइन किया था इन्होंने, 1967 में साइन किया। ये जो एरिया है आप देख सकते हो अनक्लॉज के अंडर, मोस्टली दिस इज दी सी एरिया, तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है, हाई सीज भी है यहाँ पे। दिस एंटायर एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन थ्रू दी टाटेलाल को ट्रीटी। अब इनफैक्ट इनका खुद का मैकेनिज्म है, यहाँ पे 33 कंट्रीज है जो इसका भाग है, 33 कंट्रीज ने ये घोषित किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं करेंगे, कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन हमारा रहेगा। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने अपनी खुद की बॉडी बनाई, समथिंग कॉल्ड एज ओपानाल, ठीक है, ओपानाल, इसको ध्यान रखना है। ओपानाल स्टैंड्स फॉर द एजेंसी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज, क्लियर। सो रिमेंबर दिस टाटेलाल को ट्रीटी, ध्यान रखना है। टाटेलाल को कहाँ पे आता है, इट कम्स इन मेक्सिको। इसके बाद एक और एरिया, एक और ट्रीटी बनी, इट्स कॉल्ड एज रारोटांगो ट्रीटी, रारोटांगो ट्रीटी। रारोटांगो एक छोटा सा आइलैंड देश है, आपको ध्यान रखना है। रारोटांगो इज द पार्ट ऑफ कुक आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स का भाग है रारोटांगो, नो कन्फ्यूजन। रारोटांगो ट्रीटी सबसे पहले टाटेलाल को आया, उसके बाद रारोटांगो आया, रारोटांगो आया आपका 1985 में इसको साइन किया गया, जहां पे इन्होंने घोषित किया साउथ पैसिफिक जोन को कंप्लीटली न्यूक्लियर फ्री। अब यहाँ पे कौन से एरियाज आते हैं, यू कैन सी फ्रॉम दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देर आर सो मेनी आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, सोलोमन आइलैंड, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया घोषित किया गया है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, न्यूजीलैंड नहीं करेगा, दूसरे कंट्रीज यहाँ पे आप मेंबर्स भी देख सकते हो, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दीज मेंबर्स, टोटली 13 मेंबर्स हैं जिन्होंने घोषित किया है कि साउथ पैसिफिक वुड बी न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, क्लियर। और आपको ध्यान रखना है रारोटांगो कहाँ पे था, रारोटांगो इज अ पार्ट ऑफ कुक आइलैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड ट्रीटी के बारे में, बैंकॉक ट्रीटी। अब बैंकॉक तो सभी को पता है, मुझे लगता है बैंकॉक कहाँ आता है, बैंकॉक कम्स इन थाईलैंड, ठीक है। तो बैंकॉक ट्रीटी साइन हुई, जहां पे सिंपलेस्ट टर्म्स में बैंकॉक ट्रीटी के अंडर क्या किया गया, आसियान जो देश है, और मैंने आपको बताया आसियान देश कौन से आसियान देश, देर आर 10 कंट्रीज, राइट, मैंने आपको एक्रोनिमी बताया था, MBBS, PVT, LIC, तो इन 10 देशों ने मिलकर साउथ ईस्ट एशिया को घोषित किया है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। ये कब हुआ, 1995 में। तो इट इज वेरी सिंपल, बैंकॉक ट्रीटी में कौन कंट्रीज होंगे, 10 कंट्रीज, एंड आई टोल्ड यू दी एक्रोनिम टू रिमेंबर, MBBS, PVT, LIC, ठीक है, इससे आप ध्यान रख सकते हो, 10 कंट्री से ऑफ द आसियान, ठीक है, नो नीड टू रिवाइज दैट, यू डू इट अगेन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। तो इस ट्रीटी ने ये बताया कि आसियान में, आसियान को हम न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन रखेंगे, इसको उन्होंने अपने चार्टर में भी ऐड किया हुआ, ठीक है। सो थ्री ट्रीटीज अंडर द NPT, इसके अलावा और दो ट्रीटीज है, वन मोर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन न्यूज, कुछ सालों से ये चर्चा का विषय भी जरूर बना हुआ, इसकी कॉन्फ्रेंस भी हो, पेलिंडाबा ट्रीटी। अब पेलिंडाबा ट्रीटी, सबसे पहले पेलिंडाबा कहाँ आता है, पेलिंडाबा एक छोटी सी सिटी है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में आता है, प्रिटोरिया प्रोविंस में, वहाँ पे पेलिंडाबा करके सिटी है, वहाँ पे साइन की गई थी, राइट। कब साइन की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1996 में, और इवेंचुअली 2009 में ये इट एंटर्ड इनटू फोर्स आल्सो, जितने भी रिक्वायर्ड सिग्नेटरीज थे उन्होंने साइन किया। अब आपको ध्यान रखना है कितने कंट्रीज है अफ्रीका में, इफ आई एम नॉट 55, सारे के सारे यहाँ पे मेंबर्स नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर, नॉट ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, पेलिंडाबा ट्रीटी। धीरे धीरे लोग इसको अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज है, स्पेसिफिकली साउथ सूडान है, इट इज़ नॉट अ मेंबर, यू नो दैट, साउथ सूडान NPT भी साइन नहीं किया उन्होंने, पेलिंडाबा ट्रीटी भी साइन नहीं किया, लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे कि सोमालिया, लीबिया, इजिप्ट एट्सेट्रा, यहाँ पे जो येलो कंट्रीज है, इन्होंने साइन किया है, इन्हें रेटिफाई करना है, यानी कि रेटिफिकेशन की वेट चल रही है, राइट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, पेलिंडाबा का मतलब है जुलू लैंग्वेज, जुलू लैंग्वेज साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रोमिनेंट है, इन द क्वा जुलू नटाल रीजन, जुलू लैंग्वेज, उसमें पेलिंडाबा का मतलब है द कंक्लूजन, और पेलिंडाबा में साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर भी है। अब आपको ध्यान रखना है, इन सारे ट्रीटीज़ में जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये ट्रीटीज़ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे रोक लगाते हैं खुद के रीजन वाइज, कि हमारे रीजन में कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए कोई भी देश, अपने खुद के उन्होंने मैकेनिज्म भी बना रखे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नथिंग इन एनी ऑफ दीज ट्रीटीज़, इंक्लूडिंग दिस अदर ट्रीटीज़ ऑल्सो, इट डज नॉट प्रिवेंट योर न्यूक्लियर साइंसेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस, ठीक है,
पीसफुल पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। केवल आप क्या नहीं करोगे, स्टॉक पाइलिंग नहीं करोगे, न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करोगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, एनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल नहीं करोगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर रोक लगी हुई है। ठीक है, तो अलग अलग एजेंसीज इन्होंने बना रखी है, जैसे द ट्रीटी रिक्वायर्स ऑल पार्टी, जैसे पेलिंडाबा ट्रीटी में उनका खुद का नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन द टाटेलॉल्को ट्रीटी उन्होंने अपना खुद का वेरिफिकेशन ओपनाल बनाया, लेकिन इन्होंने IAEA को ही जिम्मा दे दिया है कि हमारे जोन में अफ्रीका को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाए रखे। ठीक है, पेलिंडाबा ट्रीटी, रिमेंबर दिस। इसके अलावा एक और ट्रीटी है, अनदर ट्रीटी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेमी पलाटिंस्क ट्रीटी है। आपको ध्यान रखना है, इट इज अ सिटी विच कम्स इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की एक सिटी है जहां पे सेमी पलाटिंस्क ट्रीटी साइन की गई थी, और यहां पे केवल 5 देश है जो भी हम लोग स्थान्स कहते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दी 5 स्थान्स। इन स्थान्स ने मिलकर ये घोषित कर दिया कि हमारा जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन रहेगा। कब किया इन्होंने, 2006 में किया, और जैसे कि मैंने आपका नाम बताया, इसका नाम कैन WFZ भी कहा था, सेंट्रल एशियन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, या फिर अनऑफिशियली इसको सेमी पलाटिंस्क ट्रीटी भी कहा जाता है। सभी ने रेटिफाई कर दिया, 5 देश है, 5ों ने भी रेटिफाई करे, 2009 में ये एक्टिव भी हो चुका है। यानी कि ये जो 5 देश है, ये देश ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, ना स्टॉक पाइलिंग करेंगे, ना एनरिचमेंट करेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे, हमारे जोन को, हमारे एरिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन रखेंगे, ये घोषित किया। राइट, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, ये आपके रेफरेंस के लिए इसको ध्यान रखिएगा, 5 ट्रीटीज मैंने आपको बताया। कभी कभार सवाल बन सकते हैं आपको, जैसे सिंपल मैं सवाल बना दूंगा, एक तरफ मैंने आपको ट्रीटी का नाम दिया या फिर सिटी का नाम दिया, दूसरी तरफ मैंने कंट्री का नाम दिया, या फिर आपको क्रोनोलॉजिकल भी बना सकते हैं, NPT की सक्सेस मेंस के दृष्टिकोण से क्या NPT सक्सेसफुल है, इन पॉइंटर्स को आप बता सकते हो। NPT के अंडर ही ये न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन बन चुके हैं, जैसे कि टाटेलॉल्को मेक्सिको में आता है, सबसे पहले टाटेलॉल्को ही आया था 1967 में, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन, द फर्स्ट रीजन टू डिक्लेयर देमसेल्व्स न्यूक्लियर वेपन्स फ्री। इसके अलावा रारोटांगो आता है कुक आइलैंड्स में, ध्यान रखना है, नेक्स्ट 1985 में साउथ पैसिफिक जोन को इन्होंने न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाया। थर्ड आया बैंकॉक की मीन 1995, आसियान ने घोषित कर दिया हम न्यूक्लियर वेपन फ्री है। इसके बाद पेलिंडाबा आया साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन रीजन, ध्यान रखिएगा नॉट ऑल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज आर पार्ट, 43 कंट्रीज भाग है इसका। इसके अलावा सबसे लास्ट है सेमी पलाटिंस्क ट्रीटी कजाकिस्तान का। इसके अलावा मंगोलिया ने भी खुद को घोषित किया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, ये भी ध्यान रखना है आपको। सो सेमी पलाटिंस्क इज द 5th ट्रीटी, रिमेंबर दिस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। राइट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ NPT। तो NPT के अंदर हम लोग अलग अलग ट्रीटीज देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CTBT के बारे में, जस्ट एक स्मॉल ब्रेक एंड अ सिप ऑफ वाटर। ठीक है, CTBT हमारा अगला डिस्कशन होगा CTBT के ऊपर। राइट, CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और मैंने आपको बताया था जो पहली PTBT थी, पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी, इट बिकेम रिडंडेंट। क्यों? क्योंकि CTBT आ चुका है। CTBT कब आया? 1996 में आया, प्लीज रिमेंबर 1996। अब नाम से ही पता चला इट इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, तो PTBT रिडंडेंट यूजलेस हो जाएगा। CTBT में ये कहा गया आप अर्थ में कहीं पे भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकते, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। रिमेंबर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट ऑन अर्थ आर बार्ड, आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, ये घोषित किया गया। इसको ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए 1996 में, आज इसमें 184 कंट्रीज है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर टू बी रिमेंबर्ड इज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। तो PTBT का भाग है इंडिया, ना NPT का भाग है इंडिया, CTBT का भी भाग नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। ये मैप जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो पता चलेगा जो जो रेड में यहाँ पे कंट्रीज है, कुछ इन्होंने CTBT को एक्सेप्ट नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया भी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो येलो कंट्रीज है, USA इज वन कंट्री, चाइना इज वन कंट्री, इन लोगों ने साइन जरूर किया हुआ है, दे हैव साइंड इट, बट इन्होंने उसको रेटिफाई नहीं किया, दे हैव नॉट रेटिफाइड इट। क्लियर, तो येलो कंट्रीज है CTBT। अब नाम से पता चले कॉम्प्रिहेंसिव है, तो क्या करेंगे ये? देखिए, इन्होंने अपना एक काफ़ी सेटअप डिक्लेयर कर दिया है CTBT में, 3 तरह की सेटअप्स उन्होंने डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर CTBT साइन किया हुआ है तो CTBT का एक सेटअप भी होना चाहिए, उनका खुद का सेक्रेटरेट होना चाहिए, एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए कि देश ने साइन कर दिया फिर भी टेस्टिंग चल रही है तो कुछ तो एक्शन होनी चाहिए। राइट, तो इसीलिए उन्होंने
तीन चीज़ें बनाई, एक है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा है ऑन साइट इंस्पेक्शन, तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और इसके लिए उन्होंने खुद का सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन में बना रखा है, CTBT ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CTBT ऑर्गेनाइजेशन विच इज लोकेटेड इन वियना, ठीक है, वियना में आता ही है CTBT ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब ट्रीटी बेसिकली प्रोवाइड करता है कि अगर कोई वॉयलेट करेगा तो क्या करेंगे, CTBT के अंडर नॉर्म्स है कि इफ somebody violates तो उनके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं, अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे मेजर्स रखी गई है, तो लड़ाई आना हो, न्यूक्लियर वेपन्स ना बढ़े, इसलिए CTBT न्यूक्लियर टेस्टिंग ना हो, इसलिए CTBT। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या CTBT एक्चुअली फोर्स में आ चुका है, इज CTBT इन फोर्स? नो, प्लीज़ रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, CTBT में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, इनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटेरिएट वियना में एटसेट्रा, लेकिन अभी तक द ट्रीटी इज नॉट इन फोर्स। क्यों, ये क्यों? क्योंकि जब CTBT फाइनल हुआ 1996 में, उस समय पे एक एनेक्सर बनाया गया, NX2, इस अग्रीमेंट में, इस ट्रीटी में NX2 बनाया गया। इस NX2 में 44 कंट्रीज है, 44 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी है, पोटेंशियल, मैं कहूँगा पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी है, जहाँ पे यूरेनियम आपको मिल सकता है, स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं, ये भी कंट्रीज है, टोटली 44 कंट्रीज है NX2 में। और इस ट्रीटी में ये लिखा गया कि 44 की 44 कंट्रीज, सभी के सभी यहाँ पे, सभी के सभी आपको यहाँ पे रेटिफाई करना चाहिए करके, लेकिन यहाँ पे कुछ देश हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया, तो इसीलिए इट इज़ स्टिल नॉट इन टू फोर्स। वाई इट इज़ नॉट इन टू फोर्स? बिकॉज नॉर्थ कोरिया ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया, पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया, यानी कि जो तीन देश है जो एनएक्स में है, एनएक्स टू में लिखे हुए हैं, इन्होंने अभी तक इसको साइन भी नहीं किया, रेटिफाई भी नहीं किया, लेकिन कुछ कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, जैसे कि चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान, इसराइल, USA, इन्होंने साइन किया है अभी तक रेटिफाई नहीं किया, तो इसीलिए CTBT, रिमेंबर इट इज़ नॉट स्टिल नॉट इन फोर्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, सर आपने बोला NPT का भाग नहीं है इंडिया, आपने बोला CTBT का भाग नहीं, क्यों सर, वाई इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CTBT और NPT? अब देखिए, मैंने आपको NPT के बारे में तो बताया कि इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। अब हुआ क्या कि जब डिस्कशन नेगोशिएशन चल रही थी इसकी, और आप जानते हैं कि इंडिया इज़ अ चैम्पियन ऑफ डिसआर्मामेंट, राजीव गांधी एक्शन प्लान बताया था डिसआर्मामेंट का 1980s में इंडिया ने, राजीव गांधी ने एक बहुत ही पैशनेट स्पीच दिया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने पैशनेट स्पीच भी दिया था डिसआर्मामेंट के, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। और जब CTBT की नेगोशिएशन चल रही थी उस समय पे भी इंडिया ने 1994 में अपने कुछ प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप केवल टेस्टिंग बैन कर रहे हो, एक्चुअली CTBT से भी हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए, कुछ प्रपोजल्स बताए उन्होंने कि इसके अंदर देखिए पूरे अर्थ में एक्सप्लोजन नहीं करना है, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन्होंने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की, पहले तो टेस्टिंग कर ली है, अब उसका सारा डेटा उनके पास पड़ा हुआ है, तो सिम्युलेटेड टेस्ट भी वो कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर सिम्युलेटेड टेस्ट, कंप्यूटर में बैठेंगे, कंप्यूटर में सिम्युलेट करेंगे कि भैया आपने आधा केजी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, आधा केजी आपने एनरिच्ड यूरेनियम लिया और उसको वेपन्स ग्रेड बना के उसको वेपन उसको मिसाइल में आपने लगा दिया, तो उन्होंने सारी सिम्युलेशन कर दी कंप्यूटर में और उससे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इंडिया ने कहा ये चीज़ें भी हो सकती है, तो इसको सबसे पहले आपको एक डिसआर्मामेंट प्लान बनाना चाहिए जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करें। अब इंडिया की जो दलीलें थी, इंडिया के जो प्रपोजल्स थे, उसे खारिज किया गया, और टू रब सॉल्ट ऑन द वुंड क्या किया गया, 1995 में NPT को इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया, और अगर आप इस टाइम पीरियड को देखोगे 1995 एग्जैक्टली 3 साल बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की, एंड इन 1998 वी बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ऑल्दो इंडिया ने जब 1998 में टेस्टिंग की, इंडिया ने बताया दिस इज फॉर सेल्फ डिफेंस, इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम लोग केवल डिटरेंस के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनके ऊपर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने बताई विद डॉक्ट्रिन। इंडिया हैज़ बीन अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, राइट, न्यूक्लियर वेपन पावर मैं कहूँगा, काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पावर है। अब हमेशा से कहता है ये डिसआर्मामेंट करें, अब क्योंकि ये लोगों ने कुछ इस तरह का सेटअप किया है कि मेरे पास वेपन्स है मैं रखूंगा, मेरे पास आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते, तो इंडिया ने कहा ये नहीं होगा, राइट, इंडिया ने कहा
कि अगर सीटीबीटी को साइन करना, अगर एनपीटी को साइन करना है, इंडिया ने कहा कि इक्वल ऑब्लिगेशंस आनी चाहिए स्पेशली फ्रॉम दी P5 कंट्रीज, जो P5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भागे, उनकी तरफ से भी एक कदम आना चाहिए, तो हमारी तरफ से भी कदम आएगा, एनपीटी सीटीबीटी हम लोग साइन कर देंगे। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू सीटीबीटी और एनपीटी बोथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, टॉक अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटीज, TPNW, the Prohibition of Nuclear Weapons Treaty, ये हाल ही में आया और इसकी ज़्यादा कुछ स्पेशलिटी नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली जो ऑलरेडी NPT आया, CTBT आया, उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हाल ही में 2017 में ये ओपन हुआ सिग्नेचर के लिए, 2021 में इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स, ये भी काफ़ी चर्चा का विषय था। प्लीज़ इसके ऊपर जब भी कोई खबर आए, कोई चीज़ आए, कोई ट्रैक्शन आए, तो उसको ध्यान ज़रूर रखें, राइट। The Prohibition of Nuclear Weapons Treaty गुड फेथ में नेगोशिएट किया गया, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बने हैं, उसी को और भी एक स्टेप आगे लेकर जाए इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 2017 में इसको अडॉप्ट किया गया, सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ 2021 जनवरी से, इट हैज़ बीन इन फोर्स, और एज ऑफ नाउ धीरे धीरे लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक 86 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है और 66 ने इसको रेटिफाई भी कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया इस प्रोहिबिशन ट्रीटी का भाग है? नो, इंडिया इसका भाग नहीं है। ध्यान रखिए, इंडिया इसकी नेगोशिएशन का भी भाग नहीं है, इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया हुआ है। अगेन वाई, ऑन द सेम प्रिंसिपल लाइन, कि जिस तरह का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का डिस्कोर्स चल रहा है, जो डिबेट चल रहा है, वो वन साइडेड चल रहा है। वन साइडेड क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी चल रही है। यहाँ पे भी आप वो नॉर्थ और से साउथ का डिबेट लगा सकते हो कि यार तुम लोगों ने पहले डेवलप कर लिया, इसका मतलब क्या रखोगे, है ना। यही चीज़ इंडिया भी यही कहते हैं, इट इज़ डिस्क्रिमिनेट, अगर सब लोग साथ में खत्म कर रहे तो वी विल बी ओपन फॉर दैट, इंडिया का ये कहना है। इसके अलावा ये जो ट्रीटी है, इसकी स्पेशलिटी भी है, मैंने कहा रीइन्फोर्स करता है ये एनपीटी को, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोविजन है, काफ़ी अच्छी प्रोविजन है, जैसे स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके लिए विकल्प दिए गए, ज्वाइन द ट्रीटी, एक तो ज्वाइन करके डिस्ट्रॉय कीजिए या फिर डिस्ट्रॉय करके ज्वाइन कीजिएगा, दिस क्लॉज इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा सभी के लिए टारगेट्स बने हुए हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करोगे, न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी हुई चीज़ें एक्वायर नहीं करोगे, प्रोसेस नहीं करोगे, स्टॉक पाइलिंग नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर ट्रीटी में एक और चीज़ भी है कि अगर आप न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो या फिर अगर आप न्यूक्लियर चीज़ों के साथ कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे अगर कुछ नुकसान हुआ एनवायरनमेंट को, नुकसान हुआ लोगों को भी, उसके प्रति भी यहाँ पे कुछ मेजर्स आए कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये इस ट्रीटी में लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। क्लियर? इसके अलावा एक और ट्रीटी है FMCT। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अभी तक ये ट्रीटी आई नहीं है, इसलिए मैं इस पर एक्स डाल रहा हूँ। FMCT क्या है? फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ये एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटी है, अभी भी इसकी नेगोशिएशन चल रही है, द नेगोशिएशन इज स्टिल गोइंग ऑन। क्लियर? नेगोशिएशन चल रही, नॉट फाइनलाइज एट ऑल। अब यहाँ पे जो फिजाइल मटेरियल होता है, फिजाइल मटेरियल मतलब आपका यूरेनियम, आपका प्लूटोनियम, राइट, यूरेनियम प्लूटोनियम, ये सारी चीज़ें आप स्टॉक पाइलिंग नहीं करोगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें रोकना है, फिजाइल मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, एट्सेट्रा, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, इट इज़ बीइंग नेगोशिएटेड एज ऑफ नाउ, और इसकी नेगोशिएशन चल रही है, स्पेशली दो चीज़ों के ऊपर, जो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम है, इन दोनों के प्रति कई सारे रोक लगाए, इसके लिए ये ट्रीटी आ रही है और इसको नेगोशिएट किया जा रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था UN का कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट CD, उसके अंडर इसकी अभी भी नेगोशिएशन चल रही है, इंडिया भी नेगोशिएट कर ही रहा है, इंडिया भी इसका अभी नेगोशिएशन में पार्ट है, मतलब इंडिया इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग इन दिस FMCT। क्लियर? FMCT अभी तक नहीं आया, प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, FMCT के बाद बात करते हैं कन्वेंशन के बारे में। सो ये न्यूक्लियर ट्रीटीज थी, एक कन्वेंशन भी है न्यूक्लियर टेररिज्म के ऊपर, ध्यान रखना है, न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन, ये इन शॉर्ट इनफॉर्मल नेम है, इसका फॉर्मल नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। आप जानते हैं कि आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है, ग्लोबल स्तर पे पहुंच चुका है, ग्लोबल प्लेयर्स बन चुके हैं, टेररिस्ट प्लेयर्स ग्लोबल बन चुके हैं,
तो अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन पहुंच गया तो इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब उस चीज को रोकने के लिए सभी देशों ने साथ में एक मीटिंग कन्वीन की और इस कन्वेंशन में, न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन में, यहां पे फाइनलाइज किया गया कि एवरी स्टेट इज गोइंग टू क्रिमिनलाइज द एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। अब कई सारी अपनी मूवीज देखी होंगी, राइट, मूवीज में देखा होगा, स्पेशली बॉन्ड की मूवीज हो गई या फिर जैसे बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि टेररिस्ट ग्रुप है या फिर कोई ग्रुप है जो न्यूक्लियर वेपन लेना चाहता है, जो दो देशों को लड़वाना चाहता है, अगर उस तरह की कोई चीज़ हुई तो आप अपने लॉस बदले और अपने देशों में इसको क्रिमिनलाइज करें, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट क्रिमिनलाइजेशन होनी चाहिए। और अभी तक इसके 115 सिग्नेटरीज है, और आपको ध्यान रखना है इंडिया भी सिग्नेटरी है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। इंडिया ने इसको 2006 में इसको एक्सीड किया था, न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स में इसको एक्सीड किया था, हम भी इस कन्वेंशन के भाग हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कन्वेंशन का भाग इंडिया क्यों बना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एंटी टेररिज्म है, एंटी टेररिज्म कन्वेंशन, इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। इनफैक्ट 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एंटी टेररिज्म कन्वेंशन आई, एंटी न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन है, तो उसका भाग इंडिया जरूर है। अब सवाल उठता है क्यों है, वाई इज इंडिया पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, क्या कोई ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियर टेररिज्म रुके, इसीलिए हम इसका भाग है। अब इसके भाग बने हैं मतलब हमारे कुछ ऑब्लिगेशन भी रहेंगे इस कन्वेंशन के प्रति, क्या रहेंगे कि न्यूक्लियर टेररिज्म से जुड़े हुए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ लाए आप अपने देश में, यानी कि अपनी अपनी स्टेट्स में यू आर गोइंग टू मेक वेरी स्ट्रिक्टली पनिशेबल ऑफेंस अगर आप न्यूक्लियर मटेरियल्स में कोई डील कर रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल्स का कोई ट्रेड कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने में कोई मदद कर रहा है, तो स्ट्रिक्ट चीज़ें आप बनाएं। इसके अलावा क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो आप दूसरों की भी मदद करोगे, यानी कि आप पहले प्रिवेंट करोगे, इन्वेस्टिगेशन में मदद करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पे भी आप डेटा वगैरह शेयर करोगे, प्रोसिक्यूशन में मदद करोगे। इसके अलावा समझ लीजिए कि किसी देश का टेररिस्ट है किसी और देश में पकड़ा गया, तो एक्सट्रेडिशन के भी चीज़ें हैं, एक्सट्रेडिशन हो गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, इन सभी चीज़ों के प्रति कन्वेंशन आया और इंडिया इसका भाग है, ठीक है, न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन। ऑलराइट, चलिए मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं एक और कन्वेंशन के बारे में। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट कन्वेंशन फॉर टुडे, ठीक है। एक कन्वेंशन है 1979 में आया था, कन्वेंशन ऑन फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, इसको अडॉप्ट किया गया था, नाम से ही पता चल रहा है ये कन्वेंशन है, जहाँ पे देश आपस में मदद करते हैं, देश आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल की फिजिकल प्रोटेक्शन, राइट, कि समझ लीजिए आपका पीसफुल यूज़ के लिए भी। अब जैसे यूरेनियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैनेडा हो गया, उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने डील साइन किए, समझ लीजिए यूरेनियम आ रहा, नॉट वेपन्स ग्रेड, दूसरा भी, तो उसके प्रति क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इसके लिए कन्वेंशन है कि फिजिकल प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए, कि किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या अगर इसको कोई चोरी कर लेगा तो फिर से न्यूक्लियर टेररिज्म का खतरा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के प्रति उसकी प्रोटेक्शन के प्रति, रिकवरी रिटर्न अगर किसी ने चुराया है तो इसके लिए भी सभी देश साथ में आए हैं, कहीं पर ऑफेंस हुआ दूसरी जगह पर भी ऑफेंस हुआ तो एक्सट्रेडिशन की भी यहाँ पर चीज़ें हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, और इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ, ठीक है, 2002 में इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है इसके अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसका पार्ट नहीं है इंडिया, इस कन्वेंशन के अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, इंडिया उसको नहीं मानता है, बट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को हम लोगों ने माना है क्योंकि इट मेक सेंस ऑल्सो, वाई डज इट मेक सेंस, क्योंकि आप न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, हम भी एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लेयर बन चुके हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम दी वेपन्स पर्सपेक्टिव, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, कई देशों से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी मैकेनिज्म होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी, उसकी इंश्योरेंस, उसके प्रोसीजर्स होने चाहिए, तो उसका भाग हम है जरूर, ठीक है। सो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, राइट, एज आई टोल्ड यू दिस वॉज द लास्ट बॉडी फॉर द डे, दिस वॉज अबाउट द न्यूक्लियर कन्वेंशन, ऑलराइट। तो आगे हम लोग TCP को कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग दूसरी TTs कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, सो टिल दैट टाइम प्लीज स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टिक टू शेड्यूल। आपको ध्यान रखना है अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर ID rahul_SAI222, और इसी टेलीग्राम चैनल से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF भी अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो यू कैन डायरेक्टली मैसेज भी ऑन Instagram, आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज, राइट। सो टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टिक टू द शेड्यूल। Thank you very much. Jai Hind.
स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।